हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो आज हमारा जो टॉपिक है वह वांट ऑफ फैक्टर है। वांट ऑफ फैक्टर से न्यूमेरिकल आईआईटी एंड नीट में बहुत ही ज़्यादा आते हैं। वांट ऑफ फैक्टर को कोरिलेटेड करके, जैसे कि कोरिलेटिव प्रॉपर्टी वांट ऑफ फैक्टर को अटैच करके बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल इससे मतलब वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, क्योंकि अभी तक जो अपन ने पढ़ा है वो वांट ऑफ फैक्टर के बिना अधूरा है। सब चीज़ें जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो वांट ऑफ फैक्टर के बिना क्या है? अधूरा है, ठीक है ना? तो यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर अपन देख रहे हैं। वांट ऑफ फैक्टर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से, वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है बेटा? ये आई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी मेनली वांट ऑफ फैक्टर की? देखिए क्यों पड़ी। जैसे कि आपने एनएसीएल का सॉल्यूशन लिया है, वन मोलिटी का। कितने का लिया है? वन मोलिटी का एनएसीएल का सॉल्यूशन लिया है। तो आप जानते हो कि डेल्टा टी बी क्या है? के बी इंटू एम। और वाटर के केस में के बी की वैल्यू क्या होती है? वाटर के केस में केबी की वैल्यू कितनी होती है? 0.51 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है ना? तो मोलिटी कितनी होगी? 1। तो डेल्टा टी बी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा? 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना? टेम्परेचर में चेंज कितना आना चाहिए? 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड। बट ये जो अब आप एक्सपेरिमेंटल यदि आप देखते हो, तो जैसे सॉल्यूशन में वाटर में आपने NaCl को डिजोल्व किया, तो ये Na प्लस आयन में और Cl माइनस आयन में डिजोल्व हो गया। इसका मतलब है कि इसमें 2 मोल्स ऑफ आयन का फॉर्मेशन हुआ है, 2 मोल्स ऑफ आयन का फॉर्मेशन हुआ है। तो मोल्स कितने हो गए यहाँ पर? 2 मोल्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्व आपने किया है, ऑब्जर्व डेल्टा टी बी कितना आएगा? 2 × 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑब्जर्व कितना आ रहा है? 2 × 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कैलकुलेटेड कितना आ रहा है? कैलकुलेटेड कितना आ रहा था? 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नंबर ऑफ आयंस इसके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। यदि यहाँ पर अपन ने माना है कि यह जो NaCl है, NaCl कितना परसेंट डिसोसिएशन है इसका? 100% आयन में डिसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ पर चेंज कितना आ जाएगा? 2 × 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना? तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि डिसोसिएशन होने पर, आयन का डिसोसिएशन होने पर यहाँ पर कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या हो रहा है? चेंजेस आ रहा है। तो उसको एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए क्या किया है, जिससे कि एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल दोनों वैल्यू सेम आए, इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर को यहाँ पर ऐड किया गया है, ठीक है ना? वांट ऑफ फैक्टर का मेनली काम क्या है? जो ऑब्जर्व वैल्यू है और थ्योरेटिकल वैल्यू है, उन दोनों को वैल्यू क्या करना है? करेक्ट वैल्यू में चेंज करना है उनको। तो आपने मिलाया तो 1 मोल NaCl आयन, बट चेंज कितने का सोच रहे हो आप? 0.51, बट चेंज कितने का आ रहा है? 2 × 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड का, ठीक है ना? तो वांट ऑफ फैक्टर का यूज यहाँ पर है, और वह क्या है? आई, आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरिटिकल या कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई क्या होता है? ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरिटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना? तो आई क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ आयंस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि, है ना, नंबर ऑफ आयंस के, जैसे कि आई, है ना? तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक और इसका फॉर्मूला है आई का, आई इज इक्वल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास
अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना, तो दो हैं फॉर्मूले यहाँ पर, एक तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट फॉर्मूला है कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। तो यदि इफ सॉल्ट आर 100% डिसोसिएट, मतलब एल्फा इज इक्वल टू 100%, ठीक है ना, एल्फा यदि 100% है तो उस केस में, यदि जैसे कि NaCl है तो NaCl के लिए I इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 2, AlCl3, यदि I इज इक्वल टू क्या होगा इसका, 3, ठीक है ना। इस तरह से एक और सॉल्ट ले रहा हूँ मैं, K4Fe CN6, तो यहाँ पर नंबर ऑफ आयन्स क्या होंगे, एक तो कैटायन और ये पूरा कॉम्प्लेक्स एनायन, तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितना होगा बेटा यहाँ पर 5, यदि 100% आयन में डिसोसिएट ये होता है तो ये आई है यहाँ पर, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना। तो चलो इसको आगे अपन देखते हैं, आई जब आयन्स को या सॉल्ट को डिसोल्व करने पर वह डिसोसिएट हो या असोसिएट हो, दो कंडीशन देखना है यहाँ पर। आई को कैलकुलेट करने के लिए आई के, क्योंकि सॉल्ट को यदि वाटर में डिजोल्व किया जा रहा है तो हो सकता है कि वह वाटर में डिजोल्व होने पर आयन में डिसोसिएट हो जाए या वह आयन में वह क्या हो जाए, असोसिएट हो जाए, ठीक है ना। तो दो कंडीशन है यहाँ पर, फर्स्ट कंडीशन इफ इफ सॉल्ट आर डिसोसिएट, ठीक है, तो यहाँ पर आई इज ग्रेटर देन 1 होगा, आई ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा यहाँ पर, है ना। तो जैसे कि ए एन है और यह डिसोसिएट होने पर एन ए आयन में डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है ना, तो टी इज इक्वल टू 0 टाइम पर, माना कि इसके 1 मोल से, तो इसका कितना होगा 0 मोल, और टी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम टाइम पर इसके 1 माइनस एल्फा, एल्फा मोल डिसोसिएट होते हैं तो कितना बचेगा रिमेनिंग, ये 1 माइनस एल्फा, और ये कितना होगा एन एल्फा, ठीक है। तो ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ऑब्जर्व मोल्स कितने हैं अभी आपके पास, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, और कैलकुलेट तो केवल कितना था, कैलकुलेटेड मोल्स कितना था, कितना था 1, ठीक है ना। तो आई क्या होगा, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, और नीचे क्या आ जाएगा 1, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, ठीक है अब तक। तो ये हो जाएगा आई माइनस 1 इज इक्वल टू, ये क्या कॉमन हो जाएगा, एल्फा एल्फा एन माइनस 1, तो एल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, एल्फा का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये सॉल्ट डिसोसिएट हो उस कंडीशन में आई है यहाँ पर, आई यहाँ पर 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन जिसमें क्या है, सॉल्ट का डिसोसिएशन हो रहा है, मेरी बात समझना है यहाँ पर, कि आपने जैसे ही सॉल्ट को किसी वाटर में डिजोल्व किया तो वाटर में डिजोल्व करने पर या तो वह असोसिएट होगा या क्या होगा, डिसोसिएट होगा। तो फर्स्ट कंडीशन अपन ने मानी है कि वह नंबर ऑफ आयन्स में, जैसे कि ए एन कोई सोल्ट है और ये एन ए आयन में डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है ना, एन ए आयन में क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, तो उस कंडीशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या आई क्या होगी यहाँ पर,
टी इज इक्वल टू जीरो पे इसके वन मोल से जीरो मोल से वन माइनस एल्फा, तो ऑब्जर्व कितना हो रहा है, डिसोसिएट कितना हो रहा है, कुछ एल्फा अमाउंट डिसोसिएट हो रहा है उसका। क्योंकि यदि यहाँ पर एल्फा क्यों लिया है, जैसे कि अभी अपने लिया था 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो वहाँ पर डायरेक्ट आप नंबर ऑफ आयंस को देख कर बोल सकते हो कि आई की वैल्यू ये रहेगी, है ना। यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% ना हो, तो आपको इस तरीके से मेथड यूज करके आई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन आपके समझ में आई होगी, जिसमें क्या हो रहा है, आयन डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है बेटा ये बहुत ज़्यादा आई का। सेकेंड कंडीशन, इफ सॉल्ट आर एसोसिएट्स, जैसे कि यहां पर Na और डिजोल्व करने पर ये An में कंबाइन हो रहा है, तो T इज इक्वल टू जीरो टाइम पर इसे कितने थे बेटा, वन, तो ये कितना होगा जीरो, और T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे ये वन माइनस एल्फा एसोसिएट होता है, तो ये कितना बनेगा एल्फा अपॉन, ठीक है ना, एल्फा अपॉन एन होगा। तो ऑब्जर्व कितना एल्फा अपॉन एन क्यों होगा, क्यों, क्योंकि तो ये डिसोसिएट नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। तो कितने एसोसिएट हुए हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स से क्या होंगे, कम होंगे, तो कितने कम होंगे, एल्फा कौन है, तो ऑब्जर्व मोल्स वन माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन, और कैलकुलेटेड तो कितना था, कैलकुलेटेड वन मान रहे थे अपन, तो आई क्या होगा, ऑब्जर्व वन माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट में अपन वही एल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा आई माइनस वन इज इक्वल टू एल्फा वन माइनस वन अपॉन एन, तो एल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन माइनस वन अपॉन तो ये एल्फा की वैल्यू। दिक्कत, नो दिक्कत, ओके। तो ये आई का है यहाँ पर, तो आई का डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। अब देखते हैं कि आई से हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर अपन पूरा एक बार रिवीजन देख लेते हैं चैप्टर का। और एसोसिएशन केस में आई इज लेस देन वन, जबकि डिसोसिएशन में आई इज ग्रेटर देन क्या होता है, वन होता है, ठीक है। तो आई का यूज सभी जगह होगा यहाँ पर, जैसे कि फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला था रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर, तो हमारे लिए एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू आई इन टू एक्स बी। सेकेंड जो हमारा फॉर्मूला है डेल्टा टी बी, तो वो हो जाएगा आई इंटू के बी इंटू मोलिटी, तो ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला। और के बी की वैल्यू आप वाटर के लिए निकाली थी 0.51 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। थर्ड डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, और के एफ की वैल्यू 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये वैल्यू देखो एक्यूरेट है एन सेट के अकॉर्डिंग, है ना। बाकी आप 1.8 रख के आंसर निकाल सकते हो, 0.5 रख के आंसर निकाल सकते हो, सिचुएशन पर डिपेंड करता है क्वेश्चन की, है ना। और फोर्थ नंबर पर ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी, ऑस्मेटिक प्रेशर है जिसको अपन को देखना है, क्योंकि तो बच रहा है ऑस्मेटिक प्रेशर आपका। तो यहाँ पर आप जानती हो कि प्रेशर निकालना है, यदि एटीएम में निकालोगे तो 1 ATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर एच जी, ठीक है ना, 76 सेंटीमीटर एच जी।
या 760 mmHg या 1.013 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको बोल सकते हैं पास्कल भी बोल सकते हैं इसको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या बोलते हैं, पास्कल, ठीक है ना। तो यह बोल सकते हैं इक्वल टू 1.01 bar, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूले हैं जिसमें आई का यूज़ करना है आपको, और के बी की वैल्यू आप जानते हो, के बी इज इक्वल टू क्या है, RTB² अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर के आई नहीं है ना, आई तो यहाँ पर लग जाएगा आपको मेन फॉर्मूले में, और यहाँ पर हो जाएगा RTF² अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच, ठीक है ना। डेल्टा एच यहाँ पर रखना है कैलोरी पर मोल्स में आपको, ना। तो ये चैप्टर के मेन मेन फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद रखना है, उन पर क्वेश्चन अपन करेंगे। तो के बी और के एफ की वैल्यू निकाल ली अपन यहाँ पर, और यहाँ पर ध्यान देना, टी बी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा यार, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, टी एस माइनस टी एलिवेशन होगा, और डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, टी माइनस टी एस, ठीक है। तो ये मेन मेन फॉर्मूले हैं जिसका रिवीजन आपको करना है। ओके बच्चों, थैंक यू। आप लोगों से उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूले याद हो गए होंगे, तो इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आप इन पर प्रैक्टिस करिए, और आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। वांट ऑफ फैक्टर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वांट ऑफ फैक्टर किसके लिए निकाला जाता है, जब ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी को, ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को इक्वल आने के लिए। तो आई यहाँ पर इंक्लूड किया गया है हर एक फॉर्मूले में, ठीक है ना। तो आई क्या होता है, ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके बच्चों, थैंक यू, प्लीज़ लाइक किया करो।